हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 10 न्यूज़ों के बारे में और चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में। फर्स्ट इज बॉलीवुड की पार्टियों में मुझे बहुत फेकनेस नज़र आती है, बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आने वाले साल 5 फिल्मों में नज़र आएंगे। इस साल की ही तरह आने वाले साल में भी उनके पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है। फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद नवाज हमेशा से ग्लैमरस लाइमलाइट से दूर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, खुद नवाज बता रहे हैं। सेकंड इस आयरा खान से लोगों ने पूछा, आमिर खान तुम्हारे रिश्तेदार हैं? परफेक्शनिस्ट की बेटी का जवाब भी जान लीजिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब लोगों ने बाप बेटी की तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। आमिर खान और आयरा दोनों ही अक्सर सोशल मीडिया पर साथ में पिक्चर शेयर करते रहते हैं, पर इस बार तो हद ही हो गई। आयरा ने आमिर खान के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर किए। तस्वीरों में बाप बेटी की खूबसूरत केमिस्ट्री दिखी, पर लगता है कि लोगों को आयरा का ये सुकून पसंद नहीं आ रहा। थर्ड इस अक्षय कुमार की पृथ्वीराज को लेकर विरोध प्रदर्शन, इतिहास से छेड़छाड़ न करने की दी चेतावनी। फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो उस दौरान अक्षय कुमार के लुक को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और जब फिल्म को लेकर अजमेर में विरोध प्रदर्शन किए गए, फिल्म का बायकॉट किया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की कई सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं, इन्हीं में से एक है पृथ्वीराज। इस मूवी को लेकर काफी बवाल शुरू हो गया है। फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो उस दौरान भी अक्षय कुमार के लुक को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया थी लोगों की और जब फिल्म को लेकर अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया गया, फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है इस समय। फोर्थ इज दिया मिर्जा के 12 महीनों की जर्नी, लिखा मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू 2021। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस कुछ ही हैं जिन्होंने समाज की बनाई हुई रस्मों को तोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया, उसमें से एक हैं दिया मिर्जा। आज साल का आखिरी दिन है। नए साल की शुरुआत से पहले दिया मिर्जा ने 2021 को लेकर कुछ यादगार वीडियोस शेयर किए। इस वीडियो में उनकी साल भर की जर्नी कैद है, बाकियों का तो पता नहीं। दिया मिर्जा के लिए यह साल बेहद खास रहा है। इन 12 महीनों में दिया मिर्जा ने अगर खुशियों के पल देखे हैं तो कई चीज़ों से बहुत कुछ सीखा भी है, इसलिए साल खत्म होने से पहले उन्होंने 2021 का शुक्रिया अदा किया। फिफ्थ इज परिवार की लाइफ रिस्क में डालकर तुम्हारी फिल्में देखें, करण जौहर की अपील पर बरसे लोग। बीते गुरुवार को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया से उनके इस फैसले पर पुनः विचार करने के लिए निवेदन किया। MAI का कहना है कि सरकार थिएटर्स बंद करने के बजाय दूसरे विकल्प पर ध्यान दे। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली येलो अलर्ट पर है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा हॉल बंद करने का फैसला लिया है। सिक्स्थ इस चुक्की में पला चाय वाला लगाएगा सबकी वॉट। विजय देव कोड़ा की किंग बॉक्सिंग उड़ाएगी होश। स्पोर्ट्स ड्रामा लाइगर की ये झलक देख आपकी फिल्म को देखने की बेताबी और बढ़ जाएगी। ये कहानी है एक किक बॉक्सर की जो मुंबई की झुग्गियों में पला बड़ा है और चाय की दुकान चलाता है। कैसे वो आज इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। सेवेंथ इस अतरंगी रे बायकॉट करने की उठ रही मांग, आखिर क्या है वजह। फिल्म अतरंगी रे की कहानी बिहार की रहने वाली रिकू सूर्यवंशी सारा अली खान के इर्द गिर्द घूमती है। रिकू के बार बार घर से भागने पर उसके घर वाले परेशान हैं और इसलिए उसकी शादी विशु से जबरन करवा दी जाती है।
लेकिन रिकू एक जादूगर से प्यार करती है जिसका नाम सज्जाद अली खान है। डायरेक्टर आनंद एल रॉय की बनाई फिल्म अतरंगी रे विवादों में आ गई है। धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को एक ओर जहां दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। 9th केस। एक महीने में कितना खर्च करते हैं अनुराग कश्यप की बेटी आलिया, खुद से किया ये वादा। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया अपने मजेदार वीडियोस को शेयर करती रहती हैं और अपने यूट्यूब पर आलिया ने एक नया साल शुरू होने से पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे फैंस से सवालों के बेबाकी से जवाब दे रही हैं। एक फैन ने आलिया से मजेदार सवाल पूछा जो कि था कि एक महीने में कितना खर्च करती हैं। इसके जवाब में आलिया ने कहा, जितना मुझे करना चाहिए उससे ज्यादा। 10th is अक्षय कुमार मना रहे हैं वेकेशन मालदीव में, साइकिल चलाते दिखे मालदीव की गलियों में अक्षय कुमार। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।